वेव ऑप्टिक्स। गए फिर गए। हेलो बेटे, स्विच ऑन योर कैमरा। मेरे को क्लास नहीं दिख रही इस वक्त। बेटे, एम आई मैं आपको दिख रहा हूं इस वक्त? मेरे को आपका आवाज भी नहीं सुन रहा, कैसे पता लगे? यस, एम आई ऑडिबल बेटे? और बोर्ड आपको क्लियरली दिख रहा है? ओके, फिर शुरू करते हैं। आपका कैमरा हिल रहा है, नो प्रॉब्लम, तो हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए। शाबाश बच्चे, वेव ऑप्टिक्स है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो ऑप्टिक्स का यूनिट है ना, ऑप्टिक्स, इसके दो सेक्शन हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो लाइट है ना, लाइट वो एक स्ट्रेट लाइन में बिहेव करती है ऐसे, रे की तरह। और बहुत सी फिनोमिनाज लाइट की सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो जाती हैं अगर हम लाइट को रे माने। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं लाइट है एक वेव की तरह, और बहुत सी प्रॉपर्टीज लाइट की एक्सप्लेन हो जाती हैं अगर हम वेव कहें। मैनी प्रॉपर्टीज तब एक्सप्लेन होती हैं जब वेव कहें, बट नॉट ऑल, सारी नहीं होंगी। मैनी प्रॉपर्टीज तब लाइट की प्रो एक्सप्लेन हो जाती हैं जब उसको रे कहें, लेकिन नॉट ऑल। इसलिए साइंटिस्ट लाइट को दो कैटेगरीज में बांट के पढ़ते हैं। दोनों ही चीजें मानते हैं आज तक, कंफर्म करना बाकी है अभी। तो बेस क्या है? लाइट कैन बी अ वेव और ए रे। तो हमारा यूनिट कौन सा है? लाइट को वेव मानते हुए, वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो और एक चीज देखो, वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा है उसका नाम है वेव फ्रंट। लिखो सभी बच्चे, तो वेव फ्रंट। बेटे मेरे को दिख नहीं रही आपकी क्लास, मेरे को कंफर्म करो, क्या आपको मेरी आवाज सुन रही है? ओके, तो आपका कैमरा शायद हिल रहा है, आप ध्यान से सुनना। जब भी कभी लिंक टूट जाए तो मेरे को इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। शाबाश बेटे, वेव फ्रंट देखते हैं क्या होता है। ध्यान से सुनो, पहले एक साइड पे ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मान लो ये इतना बड़ा समंदर है, ओशन। ओके, ओशन मान लो, सी मान लो, और यहां पर ये एक लड़का खड़ा हुआ। तो इस ये लड़का समुंदर की लहरों को बहुत अच्छे से देख के एंजॉय कर रहा है, राइट? तो मान लो उसके पास एक लहर आ रही है, एक लहर ऐसे, और ये लड़का यहां से देख रहा है उसको, राइट? अगर इस लहर को जो ओशन से आ रही है यहां से हम कट कर दें, कट यहां से कट करके इस लड़के को दिखाएं, तो जानते हो इसको क्या दिखेगा? एक दीवार की तरह पानी दिखेगा,
और ये दीवार इकट्ठी ही ऊपर को नीचे जाएगी, नीचे को जाएगी, पानी के पार्टिकल्स हैं, एक दीवार की तरह दिखेंगे। यानी कि वेव के फ्रंट को अगर देखा जाए तो पानी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे इकट्ठे ऊपर को जाएंगे और ऊपर को जाते हुए इकट्ठे नीचे को आएंगे। इस लड़के को लगेगा कि पानी के पार्टिकल्स की एक दीवार मेरी तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे करते। तो ये चीज को ये लड़का बोलेगा क्या? इसको बोलेगा फ्रंट ऑफ द वेव, फ्रंट ऑफ द वेव। तो इसको पूछेंगे कि आप फ्रंट ऑफ द वेव को डिफाइन कैसे करोगे? तो बोलेगा मीडियम के पार्टिकल इकट्ठे वाइब्रेट कर रहे हैं, इकट्ठे ही ऊपर को जा रहे हैं, इकट्ठे ही नीचे को आ रहे हैं, इकट्ठे ही ऊपर को जा रहे हैं, इकट्ठे ही नीचे को। तो उसके लिए ये साइंस की लैंग्वेज क्या यूज करेगा? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग इन फेज, PHASE फेज। तो इसी चीज को वेव के फ्रंट को क्या डिफाइन करते हैं? वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो आप कहोगे सर चैप्टर तो आप लाइट का पढ़ा रहे हो, तो पानी पे कहां पहुंच गए आप? सिर्फ डेफिनेशन को समझाने के लिए, डेफिनेशन को समझाने के लिए क्या कि किसी मीडियम के पार्टिकल जब इन फेज वाइब्रेट करते हुए आए तो उस लहर का जो फ्रंट दिखेगा किसी ऑब्जर्वर को, तो उस दीवार नुमा फ्रंट को वो ऑब्जर्वर वेव फ्रंट का नाम देगा। इसका मतलब वेव फ्रंट क्या हो गया? वेव फ्रंट इज द फ्रंट ऑफ द वेव सच दैट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम जैसे इस केस में पानी, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग इन फेज। तो सभी बच्चों को वेव फ्रंट का मीनिंग समझ आया? यस और नो? बेटे आवाज नहीं आई किसी की भी मेरे को? तो इसका मतलब है आपको वेव फ्रंट का मीनिंग मीनिंग समझ आ गया। यही चीज लाइट में भी लागू है। तो लाइट के अंदर लाइट की प्रोपेगेशन को, एडवांसमेंट को समझने के लिए साइंटिस्टों ने वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है वेव फ्रंट। यानी कि जब पार्टिकल्स इन फेज वाइब्रेट करें, इकट्ठे ऊपर जाएं या इकट्ठे नीचे आए। अब तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे सभी बच्चे, इन द वेव ऑप्टिक्स, इन द वेव ऑप्टिक्स, शाबाश, लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ, लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। और सभी बच्चे वेव फ्रंट का डेफिनेशन ये लिख लेंगे, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज फ्रंट ऑफ द वेव सच दैट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज। वेव फ्रंट इज द फ्रंट ऑफ द वेव सच दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज। वाइब्रेट इन फेज, इन फेज का मतलब क्या? आपस में तालमेल बिठाकर इकट्ठे ही ऊपर को जाएंगे, इकट्ठे ही नीचे। जैसे आपको ये फ्रंट दिखे, ये पानी का फ्रंट है, ये ऐसे पीछे सारी लंबी चौड़ी वेव है पानी की, तो आपको फ्रंट से देख रहे हो तो इकट्ठे ही पानी पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दीवार की तरफ। तो ये जो फ्रंट दिखेगा दिस इज नोन एज वेव फ्रंट। क्लियर हो गया बेटे यहां तक? रेज योर राइट हैंड इफ यस। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, जो दोनों हाथ नहीं खड़ा कर सकते, समझ आया तो राइट हैंड, ना समझ आया तो लेफ्ट हैंड। जो दोनों हाथ नहीं खड़ा कर सकते वो क्लास में ना बैठे। आई एम अगेन आस्किंग,
हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज वेव फ्रंट? शाबाश, डाउन डाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट बच्चे, ये जो वेव फ्रंट होता है इसके कुछ करैक्टर्स होते हैं, लिखोगे सभी बच्चे? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव फ्रंट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव फ्रंट, चाहे प्रॉपर्टीज बोल दो। समझना आएगा बेटे, इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहली बात, शाबाश, अगर लाइट इस तरफ जाती है, लाइट लाइट इस तरफ जा रही है, तो जो वेव फ्रंट होएगा उसका, वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर दिखाना है आपने, 90 डिग्री एंगल पे। ये क्या चीज है? वेव फ्रंट, ये इसका नियम है। जिस तरफ को लाइट जाए आगे बढ़े, आगे बढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? प्रोपेगेट। उस चीज को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। सो याद रखना, हाँ, पहला लर्निंग पॉइंट क्या है? वेव फ्रंट इज ऑलवेज शोन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, फर्स्ट नियम। सेकेंड पॉइंट बच्चे, सेकेंड पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। जो वेव फ्रंट होते हैं, जब भी निकलेंगे उनका कोई ना कोई सोर्स होएगा, और वो सोर्स कहां से होएगा लाइट के चैप्टर में? वो होएगा लाइट का सोर्स, जहां से लाइट पैदा होती है, चाहे बल्ब है, चाहे ट्यूबलाइट है, वॉट एवर, वहां से वेव फ्रंट निकलेंगे। तो आप लिखोगे सोर्स ऑफ अमिशन ऑफ वेव फ्रंट्स क्या होता है हमेशा? इज लाइट सोर्स, इज ए लाइट सोर्स। वो लाइट सोर्स क्या हो सकता है? बल्ब भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ट्यूब लाइट हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है एक मिरर से टकरा के लाइट आए, है ना, मिरर भी हो सकता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आए। ये सारे वेव फ्रंट का सोर्स हो सकते हैं। थर्ड लर्निंग पॉइंट हम क्या सीखने लगे, ध्यान से सुनना बेटे। जो वेव फ्रंट होता है उसकी जो शेप होती है, शक्ल होती है, वो सोर्स की शक्ल से मैच करती है। मतलब अगर कोई पॉइंट सोर्स है उसको सफियर मानेंगे, या कोई बल्ब है कन्वेंशनल बल्ब, वो सफियर है, तो सफियर से निकलने वाले जो वेव फ्रंट होंगे वो भी सफियर ही होंगे। अगर कोई ट्यूबलाइट है ऐसे रॉड की तरह, तो उससे निकलने वाले वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होंगे, एक यहां सिलेंडर, एक उसके ऊपर सिलेंडर, एक उसके भी ऊपर सिलेंडर। मतलब ये हुआ कि जैसा सोर्स होता है वैसा वेव फ्रंट होता है। अगर किसी मिरर से लाइट टकरा के आ रही है, मान लो ये मिरर है, यहां से लाइट इसके ऊपर टकराई, इधर से ऐसे गई उधर को, तो यहां से ये मिरर क्या बिल्कुल प्लेन शीट है, तो इससे निकलने वाले वेव फ्रंट क्या होंगे? प्लेनर वेव फ्रंट, ऐसे फट्टे से, एक वेव फ्रंट यहां, एक यहां, एक यहां, बिल्कुल स्ट्रेट शीट की तरह, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेनर वेव फ्रंट। जो डॉट पॉइंट सोर्स से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। जो ट्यूबलाइट से निकलेगा वेव फ्रंट उसको क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसका मतलब यह हुआ की पॉइंट, जैसा सोर्स का शेप होता है वैसा ही उससे निकलने वाले वेव फ्रंट्स का शक्ल होता है। लिखो, शेप ऑफ द वेव फ्रंट, शेप ऑफ वेव फ्रंट्स, शेप ऑफ वेव फ्रंट्स इज इक्वल टू सिमिलर टू शेप ऑफ इट्स सोर्स,
इट्स अ सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट्स के सोर्स से निकलते हैं। और क्या रूल है बच्चे, ध्यान से सुनो। और एक ये रूल है, फोर्थ लर्निंग पॉइंट, कि अगर कोई बंदा बोले वेव फ्रंट क्या है, तो आप बोलोगे अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे निकलने वाले वेव फ्रंट स्फेरिकल हो सकते हैं, स्फेरिकली शेप्ड वेव फ्रंट। ओके, तो अगर कोई वेव फ्रंट, अगर कोई सोर्स का लाइट क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइट है, तो उससे निकलने वाले वेव फ्रंट क्या होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे। देखो एक ये वेव फ्रंट दिखा दिया, एक उसके ऊपर दिखा दो, और भी दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे सोर्स से निकल रहे हैं वेव फ्रंट, इसको क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और एक चीज देख लो, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट क्या होएगा बेटे, सोर्स ऑफ लाइट होएगा जैसे ये मिरर हो, मिरर, तो यहां सन दिखाया, सन से लाइट इधर आई और यहां टकराई, तो इससे निकलने वाले जो वेव फ्रंट होंगे वो क्या होगा, प्लेनर वेव फ्रंट होंगे, प्लेनर वेव फ्रंट। तो ये टीचर ने क्या बोला, एग्जांपल्स दिए हैं शेप्स ऑफ वेव फ्रंट, शेप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट की पॉसिबल क्या क्या शक्लें हो सकती। अब लर्निंग पॉइंट फिफ्थ क्या है इसके ऊपर, ये फिफ्थ पॉइंट कुछ खास है, फिफ्थ पॉइंट कुछ खास है बेटे, ध्यान से सुनना। अगर एक प्लेनर वेव फ्रंट को पास होने दिया जाए, कहां से, प्रिज्म में से, लेंस में से, मिरर में से, तो उसकी शक्ल के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो हमने स्टडी करना। एक प्लेनर वेव फ्रंट को, ऐसा वेव फ्रंट है मिरर से टकरा के आ रहा है, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आगे क्या पड़ता है, इसको लेंस मिल जाता है या प्रिज्म मिल जाता है, उसके अंदर से गुजरना पड़ता है, तो गुजरने के बाद इसकी शेप कैसी हो जाती है, अलग अलग शेप हो जाती है, और वो डिपेंड करता है कि ये प्लेनर वेव फ्रंट किस में से गुजर रहा है, मिरर में से, लेंस में से, प्रिज्म में से, कहां से ये टकराता है या गुजरता है, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ दिस मटेरियल, इस प्लेनर वेव फ्रंट की शक्ल चेंज हो जाएगी। लिखो, शाबाश। व्हेन ए प्लेनर वेव फ्रंट पासिस, व्हेन ए प्लेनर वेव फ्रंट पासिस और स्ट्राइक्स अगेंस्ट, पासिस और स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इट्स शेप वेरीज, इट्स शेप वेरीज, गेट्स चेंज्ड, इट्स शेप गेट्स चेंज्ड। अब नीचे स्टार पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी क्या बेटे, लेंस, लेंस बना दो, कन्वेक्स लेंस हो सकता है, कनकेव हो सकता है, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिज्म, प्रिज्म बना दो, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस तरह से पांच चीजें हो सकती हैं। देखो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट। अब हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि जब एक वेव फ्रंट इनमें से गुजरता है तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, उसकी डिटेल में जाना है हमने अगले आर्टिकल में। पर सबसे पहले टीचर आपको पूछता है, ये चारों पांचों पॉइंट देखो ध्यान से, क्या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट समझ आया, यस और नो, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटे, शाबाश। हाँ जी बेटे, एक मिनट, मेरे को डायरेक्टर सर बुला रहे हैं, मैं जस्ट 1 मिनट दो मेरे को, शाबाश। बिल्कुल शाबाश, हेडिंग दोगे बिहेवियर ऑफ ए वेव फ्रंट थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। शाबाश, नेक्स्ट आर्टिकल, बिहेवियर ऑफ ए वेव फ्रंट थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या इसको आप बोल सकते हो चेंज इन शेप ऑफ अ प्लेनर वेव फ्रंट, PWF, प्लेनर वेव फ्रंट, व्हेन इट पासिस और स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर सारे बच्चे पेन डाउन कर दो और अच्छे से समझो इस, ये थोड़ा सा मुश्किल है बेटे, ध्यान से। सबसे पहले टीचर ये रे देखो, ध्यान से देखो, टीचर क्या कर रहे हैं, यहां से ये रेज ऑफ लाइट ला रहे हैं, ये देखो लाइट आ रही है इधर से, मतलब अगर ये लाइट आ रही है, ध्यान से देखना सभी बच्चों, अगर इधर से लाइट की प्रोपेगेशन आ रही है तो मैं इसके ऊपर जो प्लेनर वेव फ्रंट का दिखाऊंगा साइड से, ये दिखा दिया आप प्लेनर वेव फ्रंट। आप कहोगे सर लाइन से क्यों दिखा रहे हो, ये देखो अगर एक प्लेनर वेव फ्रंट है, फ्रंट से तो वो प्लेन दिखेगा लेकिन साइड से देखेंगे तो एक लाइन ही तो दिखेगी, एज दिखेगा, देखो राइट, ऐसे लाइट आ रही है और आपको ये प्लेनर वेव फ्रंट का साइड व्यू दिखाया राइट, और ये स्ट्रेट लाइन क्यों दिखाया, क्योंकि टीचर ने हमेशा बताया वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के हमेशा 90 डिग्री होता है, करेक्ट है यहां तक। अब इस वेव फ्रंट को मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे थ्रो करूंगा, सबसे पहले इसको लेंस पे थ्रो करके, तो रास्ते में मैंने क्या दिखाया आपको बेटे, ये एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ओके कॉन्वेक्स लेंस। सभी बच्चों को पता है कि जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, हैं बेटे कॉन्वेक्स लेंस 10वीं क्लास की नॉलेज से बताओ, ये फोकस करेगा या डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो इसका मतलब है एक पॉइंट यहां रखते हैं प्रिंसिपल फोकस, यहां पर इसने लाइट को फोकस कर दिया, ओके लाइट को फोकस कर दिया। अब मैंने इसके बाद वेव फ्रंट कैसा होगा उसको बनाना है, ध्यान से सुना, यहां पर जो वेव फ्रंट होएगा, योर अटेंशन, उसकी दो शक्लें हो सकती हैं, एक तो शक्ल पॉसिबल है ये वाली कर्व्ड वेव फ्रंट, सेंटर से बाहर को उभरा हुआ, अगर यहां पर खड़ा होकर देखें ये ऑब्जर्वर को, सेंटर से बाहर को उभरा हुआ है वो, इसको बोलेगा कॉन्वेक्स कर्व्ड वेव फ्रंट, या फिर इसको ऐसा दिखेगा सेंटर से दबा हुआ, इसके लिए सेंटर से दबा हुआ है लेकिन इस गर्ल के लिए सेंटर से उभरा हुआ है, गर्ल कहेगी कन्वेक्स कर्व्ड वेव फ्रंट, बॉय कहेगा कॉनकेव कर्व्ड वेव फ्रंट, लेकिन इन दोनों में से एक सच बोल रहा है,
अब वो देखते हैं कौन सा सच बोल रहा है, देखते हैं। मान लो बेटे मैंने ये लड़की की बात सही मान ली होती, तो मैंने इस रेस के ऊपर वेव फ्रंट दिखाऊंगा तो वो ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसे लाइट जा रही है, ये देखो फोकस के ऊपर फोकस हो रही थी, लेंस के बाद ये वाली चीज को मैंने मैग्नीफाइड व्यू दिखाया। अगर मैं गर्ल की बात सही मान लूं तो गर्ल कह रही है ऐसा वेव फ्रंट, मेरे को ये गलत लगता है। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला था वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है, यहां तो मैं फिर भी 90 डिग्री मान सकता हूं चलो, लेकिन कौन कह देगा ये 90 डिग्री है, कौन कह देगा ये 90 डिग्री, नो बडी कैन से। अब बॉय की बात मानते हैं, बॉय कहता था कि वेव फ्रंट ऐसे आएगा, तो इसकी बात मानते हैं, ऐसे फोकस कर रहा है लाइट लेंस के बाद वाली। अगर बॉय वाले वेव फ्रंट को मैं यहां उठा के रखूं बॉय वाले को, तो ऐसे, तो यहां भी 90 दिख रहा है, देखो यहां भी 90 दिख रहा है और यहां भी 90 दिख रहा है। यस, तो वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी किल नहीं हो रही। कौन सी प्रॉपर्टी? पिछले पेज पे करी थी, वेव फ्रंट इज ऑलवेज शोन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट लेंस के बाद ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो वेव फ्रंट के सारे सेक्शन, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, तो ये सही है, ये गलत है। क्यों? यहां तो 90 फिर भी मान सकते हैं, ये नहीं बनता 90, ये नहीं बनता। इसका मतलब नियम क्या है? जबकि जब भी कोई प्लेनर वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस को टकराएगा तो वो कर्व्ड वेव फ्रंट में कन्वर्ट तो हो जाएगा, ऊपर से वो कर्व्ड वेव फ्रंट कौन सा होएगा? कॉनकेव, कर्व्ड, स्फेरिकल, स्फेरिकल चाहे रहने दो, वेव फ्रंट, कर्व्ड फ्रंट वेव, स्फेरिकल वेव फ्रंट के थोड़े से टुकड़े को, अगर ये पूरा होता तो स्फेरिकल होता ना, थोड़े से टुकड़े को कर्व्ड बोल देते हैं। तो लर्निंग पॉइंट क्या है? When a planar wave front strikes against the convex lens, after the lens, this planar wave front gets converted to concave curved wave front. और फोकस पॉइंट पे ऑब्जर्वर को खड़ा करके उधर से शेप देखनी होती है। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया? रेज योर हैंड्स, लेफ्ट या राइट, जो कोई हाथ नहीं खड़ा करता प्लीज क्लास में ना बैठे। शाबाश, अब आप इसका फिगर बना लो। ये इतना बनाने की, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर दिया इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी उधर वाला बना लो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो बना लो, क्लियर? और यहां पर 90 डिग्री दिखा देना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब एक और स्टडी करते हैं बेटे, कॉनकेव कर्व्ड वेफर, ये बताया था हमको। अब एक और देखते हैं बेटे, शाबाश, ये रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट आ रही है, चलो ये बीम ऑफ लाइट आई, हियर अटेंशन, मैंने इसके ऊपर ये वेव फ्रंट दिखा दिए, कौन सा? प्लेनर वेव फ्रंट। कैसे पता लगा ये वेव फ्रंट है? क्योंकि 90 डिग्री शो कर रहा है प्रॉपर्टी। अब इस वेव फ्रंट को मैं कॉनकेव लेंस के ऊपर थ्रो करूंगा, देखो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के ऊपर जब ये मैं वेव फ्रंट थ्रो करूंगा, सभी बच्चे मेरे को बताने की कोशिश करेंगे
कि कंकेव लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज या कन्वर्ज? डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है बिखेर देता है, और ये डाइवर्ज भी तब करता है, याद रहे, अगर लेंस का अपना मटेरियल डेंसर हो और उसके बाहर का मटेरियल रेयरर हो। रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट तेज गति से जाती है कंपैरेटिवली, डेंसर वो होता है जिसमें लाइट स्लो पड़ जाए। तो इसने बेटे डाइवर्ज कर दिया ये लो। ठीक है, अब यहां पर हमने वेव फ्रंट शो करना। यहां पर वेव फ्रंट की दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप सोच के बताना दोनों पॉसिबिलिटीज में कौन सी सही है, या तो ये सही है नंबर वन, या तो ये सही है नंबर, तो बताओ कौन सी सही है, वन और टू। अगर वन सही है तो फिंगर वन खड़ा करो, अगर टू सही है तो टू। शाबाश, पिक अप योर चॉइस। यही वेव फ्रंट लेंस के निकलने के बाद या ऐसा बनेगा या ऐसा, बोलो कौन सा बनेगा बेटे। एक फिंगर कड़ा करना है या दो करना है, कोई बेवकूफ से ऐसा बच्चा ना हो जो खाली बैठा रहे। एक चॉइस आपको पिकअप करनी ही करनी है। शाबाश, डाउन। अब मैं अपने प्यारे बच्चों पे जोर क्यों डाला इस बात का, ताकि उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि सर जबरदस्ती आंसर मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि आपके ब्रेन को सोचने की आदत पड़े। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये दिखा दिया होता है वन वन, देखो वन दिखा दिया होता, मान लो वन ऐसे दिखा दिया, तो यहां तो मैं 90 डिग्री मान सकता था। कौन कह देगा ये वाला एंगल 90 है? नो बॉडी कैन से। कौन कह सकता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है? नो बॉडी कैन से। पर 90 की प्रॉपर्टी किल हो नहीं सकती। क्यों? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अगर मैंने दूसरी वाली ऑप्शंस देखी होती, ये वाली, ये वाली, अब देखो ये वाली, तो यहां भी 90 मानता है, थोड़ा बहुत दिल मानता है, ये भी 90 के पास ही है, ये भी 90 है लगभग, ये भी 90। यस, तो कौन कौन से बच्चों ने, अच्छे से याद करा करना, कौन कौन से बच्चों ने टू ऑप्शन पिक करा था, रेज योर हैंड्स। क्या बात है, पीछे मुड़ के देखो, सारी क्लास, ऑलमोस्ट सारी क्लास। तो मेरी तरफ से क्लैपिंग डाउन बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छा ब्रेन दिया कुदरत ने सारी क्लास को। पहली बार भी आपने सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं अगर वहां पर होता तो आपको जरूर शाबाश देता इस बात की, बहुत ही बढ़िया, नाइस। सारी क्लास ने सही आंसर दिया, वेव फ्रंट टू वाला सही है, क्योंकि हम 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी किल नहीं कर सकते। तो लर्निंग पॉइंट क्या लिखेंगे सारे बच्चे, सुन लो। ए प्लेनर वेव फ्रंट व्हेन इज लेट टू पास थ्रू कंकेव लेंस, इट गेट्स कन्वर्टेड टू कौन सा बेटे? कॉन्वेक्स कर्व्ड वेव फ्रंट। ये वाला नहीं बनाना, हरे वाला, हरे वाला नहीं बनाना अपने वेव फ्रंट, ये येलो वाला बनाना। बना लो फिगर जल्दी से, कॉन्वेक्स कर्व्ड वेव फ्रंट। अब हम इसी वेव फ्रंट को प्रिज्म के ऊपर थ्रो करके देखते हैं क्या बनता है, प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, ठीक है बच्चे, प्रिज्म के ऊपर मैं इसको इरेज करने लगा हूं, जल्दी से देख लो एक बार पूरा फिगर, फिर मैंने इसको इरेज कर देना। लो, अब हम देखते हैं क्या बेटे, हमारे पास एक ये लाइट जा रही है ऐसे, इधर को जा रही है हमारी, ये टीचर ने उसके ऊपर प्लेनर वेव फ्रंट दिखा दिया, प्लेनर वेव फ्रंट का साइड व्यू। पूरा नाम लिखा करो आप,
पीडब्ल्यूएफ मत लिखा करो, प्लेनर वेव में। अब इसको हम स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर? प्रिज्म के ऊपर। ये लो प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, त्रिकोण द्वारा बनाते हैं प्रिज्म की शक्ल। ये लो प्रिज्म आ गया बेटे। ओके तो प्रिज्म के ऊपर इसको हम स्ट्राइक करते हैं। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि प्रिज्म इस लाइट को नीचे को फेंक देते, पता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चे? रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके तो इसका मतलब है रेयरर से डेंसर मीडियम में गया, एक रिफ्रैक्शन यहां पर हुई, फिर डेंसर से रेयरर में आया, एक यहां पर हुई। तो थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। ये लाइट गई यहां पर ऐसे, तो दूसरी गई ऐसे, तीसरी गई ऐसे, चौथी गई ऐसे, तो इधर को गई लाइट बच्चे। जा किधर को रही थी? इधर को जा रही थी, चलेगी इधर को। तो इस प्रिज्म ने इस लाइट को इधर को मोड़ दिया। जानते हो इस एंगल को क्या बोलते हैं? जिधर को जा रही थी और प्रिज्म ने जिधर को मोड़ दिया, उन दोनों डायरेक्शनों के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब जब लाइट ऐसे पैरेलल बीम में जा रही है तो सभी बच्चे सोच के बताएं, यहां पर जो वेव फ्रंट की शक्ल बनाऊंगा टीचर, वो इन तीन ऑप्शनों में से कौन सी होगी? यहां पर इस ऑब्जर्वर को जो वेव फ्रंट दिखेगा, क्या वो वेव फ्रंट ये दिखेगा नंबर 1, क्या वो वेव फ्रंट ये दिखेगा नंबर 2, क्या वो वेव फ्रंट ये दिखेगा नंबर 3। सभी बच्चे अपना आंसर सोच के रखो, सोच लो पहले। जब लाइट ऐसे निकलेगी, ये ऑब्जर्वर है, उसको वेव फ्रंट ऐसे दिखेगा कि ऐसे कि ऐसे? अगर आपका ऑप्शन 3 है तो 3 फिंगर शो करना, 2 है तो 2, 1 है तो 1। यस, पिक अप योर ऑप्शन सर, वेरी गुड। सभी बच्चे 1 पिक कर रहे हैं, देखो देखो क्लास में मुड़ के देखो बेटे, सारे बच्चे वेरी गुड, सभी का 1 एंड 1 इज करेक्ट। जानते हो क्यों? क्यों समझ गए सारे बच्चे प्यारे प्यारे? इसलिए समझ गए, आपने मेरे को खुश किया कि सर जब आप प्लेन लाइन ड्रा करोगे ना तभी 90 90 90 90 दिखेगा। यस, इसी प्रॉपर्टी को लगाया ना, बोलो यस या नो। वेरी गुड। सो प्रिज्म में फेंका हुआ प्लेनर वेव फ्रंट, प्रिज्म के बाद इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेनर वेव फ्रंट ही रहता है, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जा रहा होता है ऊपर को, जाने लग जाता है नीचे को, मुड़ जाता है कितने एंगल से? बाय एंगल ऑफ डेविएशन। लिखो, द इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट ऑन प्रिज्म, द इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट ऑफ प्रिज्म ऑन प्रिज्म, द इंसिडेंट प्लेनर वेव फ्रंट ऑन प्रिज्म कॉमा आफ्टर गोइंग थ्रू प्रिज्म, आफ्टर गोइंग थ्रू प्रिज्म कॉमा इमर्जिज आउट एज प्लेनर वेव फ्रंट ओनली, एज प्लेनर वेव फ्रंट ओनली, बट इट विल बी डेविएटेड बाय एंगल ऑफ डेविएशन, बट इट विल बी डेविएटेड बाय एंगल ऑफ डेविएशन कॉमा डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज।
अब सभी ये फिगर बना लो जल्दी से। हमने तीन आर्टिकल पढ़े, वेव फ्रंट क्या होता है, दूसरा हमने वेव फ्रंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, तीसरा हमने बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट थ्रू सर्टन ऑब्जेक्ट्स पढ़ा। ठीक है, अब इसी तरह से ये मिरर्स के ऊपर टकराता है, कर्व्ड मिरर पे, कनकेव मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। वो आप बुक से पढ़ोगे तो वो आसानी से समझ आ जाएगा। बस एक ही प्रॉपर्टी को याद रखना है, कौन, 90 डिग्री को कभी भूलना नहीं है। अब हम बच्चे एक दूसरा आर्टिकल नया वाला शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, उसका क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल, स्पेलिंग HUYGEN, व्हाट इज हाइगन प्रिंसिपल कॉमा हाइगन कंस्ट्रक्शन कॉमा पर्पस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, पर्पस ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। और नीचे एक और क्वेश्चन बना दो, व्हाट इज वाइगट एंड किरचॉफ कंट्रीब्यूशन लॉ, वाइगट एंड किरचॉफ कंट्रीब्यूशन लॉ, वाइगट एंड किरचॉफ कंट्रीब्यूशन, चार बातें बताई टीचर। देखो बेटे, HUYGEN, आइगन प्रिंसिपल, पर्पस, कंस्ट्रक्शन, और फिर बाद में एंड वाइगट प्लस किरचॉफ लॉ क्या। इतनी बातें बतानी, सभी बच्चे 2 मिनट के लिए पेन रख दो नीचे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहली बात, जब साइंटिस्टों से ये पूछा गया कि एक नया बच्चा जो साइंस स्टूडेंट है, आपने उसको लाइट की प्रोपेगेशन समझानी है, लाइट आगे कैसे बढ़ती है इसको समझाना है, और उस बच्चे के पास कागज और पेन के बिना कुछ नहीं है, तो कैसे समझाओगे। तब इस साइंटिस्ट ने सोल्यूशन दिया कि स्टूडेंट कम्युनिटी को पेपर के ऊपर लाइट की प्रोपेगेशन समझाने के लिए मैं एक काल्पनिक सिद्धांत बताता हूं, हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल बताता हूं, और क्योंकि मैं इसको बता रहा हूं, मेरे नाम पर इसका नाम हाइगन प्रिंसिपल रखा जाए। यानी टीचर ने आपको हाइगन प्रिंसिपल का मकसद समझा दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को लाइट की प्रोपेगेशन कागज के ऊपर समझाने के लिए जो एक हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल बनाया, वो हाइगन प्रिंसिपल है, और उसका मकसद यही है कि बच्चों को लाइट की प्रोपेगेशन समझ आए। उम्मीद है आपको इस प्रिंसिपल का उद्देश्य समझ आ गया। अब रही बात कि ये प्रिंसिपल है क्या और ये कंस्ट्रक्शन कैसे करता है, ध्यान से सुनना बच्चे। ये साइंटिस्ट कहता
आपको मेरा प्रिंसिपल समझ आ जाएगा अगर आपने अजम्पशन नंबर 1 और अजम्पशन नंबर 2 दोनों अजम्पशंस मेरी समझ ली, तो आप उन दोनों अजम्पशंस को कलेक्टिवली हाइगन प्रिंसिपल कह सकते हो। हमने कहा जी कह देंगे, पहले बताओ तो सही कौन सी अजम्पशंस हैं, तब ये साइंटिस्ट कहता है। नंबर 1, ध्यान से सुनना बच्चे, ये साइंटिस्ट कहता है कि मान लो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। हमने बोला कि पॉइंट सोर्स कह रहे हो, कहता चलो पॉइंट सोर्स ही लगा लो। वैसे ये नॉन पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, ट्यूब भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी। हमने कहा जी ओके, फिर क्या कहना चाहते हो? कह रहा ये सोर्स ऑफ लाइट अपनी ही शक्ल से मैचिंग वेव फ्रंट छोड़ता है। मैंने कहा, हमने कहा ये तो हमें पता है कि जैसा सोर्स ऑफ लाइट होता है उससे वैसी ही शक्ल के वेव फ्रंट निकलते हैं, ये हमें पता है, तुम अपनी बात करो। कह रहा ध्यान से सुनना असली बात, कह रहा जिस तरह से ये सोर्स ऑफ लाइट ने अपनी वेव फ्रंट छोड़ी, देखो इधर भी दिखाना चाहिए वेव फ्रंट मेरे को, है ना, इधर भी दिखाना चाहिए, पर मैंने समझाने के लिए एक टुकड़ा दिखा दिया। स्फेरिकल वेव फ्रंट के एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? कर्व्ड वेव फ्रंट। तो कह रहा है, अब असली बात सुनो, कह रहा है जिस तरह से ये मेन सोर्स वेव फ्रंट छोड़ता है, उसी तरह से आप ये अज्यूम करो कि इस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 सोर्सेज ऑफ लाइट बैठे हुए हैं, और वो छोटे छोटे सोर्सेज ऑफ लाइट अपने वेवलेट्स रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे सोर्सेज ऑफ लाइट पॉइंट सोर्सेज हैं। तो पॉइंट का मतलब हो गया सफियर, इसका मतलब उससे निकलने वाले वेव, ये जो निकलेंगे ये स्फेरिकल शेप के हैं, व्हाइट कलर वाले, इनको आपने वेव फ्रंट नहीं बोलना, ये तो वेव फ्रंट के भी सब पार्ट है, इनको आपने बोलना वेव लेट्स। तो हमने पूछा भाई शॉर्ट में बताओ क्या कहना चाहते हो? उसने बोला कि सोर्स ऑफ लाइट ने जो ये जो येलो कलर का वेव फ्रंट छोड़ा है, उस वेव फ्रंट पर आपको अजम्पशन नंबर 1 के मुताबिक ये अज्यूम करना है कि ये व्हाइट कलर वाले छोटे छोटे टाइनी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। ये टाइनी सोर्सेज ऑफ लाइट ओरिजिनल सोर्स की तरह अपने छोटे 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 स्फेरिकल वेवलेट्स छोड़ते हैं। हमने कहा जी मान लेते हैं, चलो एक अजम्पशन आपकी समझ आ गई। दूसरी, कहता है ये जो वेवलेट्स आपने छोड़े ना, इन वेवलेट्स की बाउंड्री को टच करते हुए आप लाइन ड्रा करो। जैसे जैसे बेटे ये एक गोल चीज है और इससे टच करती हुई लाइन है ये, बिल्कुल, यानी टेंजेंशियली एक लाइन ड्रा करो। यानी हमने ये एक लाइन ड्रा कर दी, टच करती हुई टेंजेंशियली, हमने कहा कर दी। कह रहा और सोचो, और तो नहीं कुछ हो सकता? हमने कहा वेट वेट वेट, और भी हो सकती है। कह रहे ड्रा करो, हमने उसको यहां पे ड्रा करके ये इसको स्काई कलर से दिखा देते हैं। ये भी टच करते हुए दिखा रही। हमने कहा अब क्या करें? कहता ये जो स्काई कलर का और ग्रीन कलर का आपने ड्रा करा है ना, इसको आप सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलोगे। हमने कहा वो तो बोल देंगे, लेकिन जो ओरिजिनल था येलो वाला उसको क्या बोलोगे? कहता उसको आप प्राइमरी वेव फ्रंट बोलो। तो हमने उसको बोला इसका मतलब ये हुआ दो दो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गए, एक ये वाला ग्रीन कलर वाला और एक स्काई ब्लू वाला। कहता यस,
कहता लेकिन याद ये रखना है कि लाइट के आगे बढ़ने में जो फ्रंट वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ग्रीन कलर वाला फ्रंट वाला, जिधर को लाइट जा रही है उधर को है जो वेव फ्रंट, उसका तो लाइट के आगे बढ़ने में 100% कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है 100%। लेकिन जो स्काई ब्लू वाला बैक सेकेंडरी वेव फ्रंट है उसका लाइट के आगे बढ़ने में 0 कंट्रीब्यूशन होता है। कहता ये जो मैंने बात बताई है ये सेकंड अजम्पशन है। हमने कहा ठीक है। कहता इन दोनों अजम्पशंस को अगर आप कलेक्टिवली याद करके पेपर में लिख दोगे तो दैट विल बी डेफिनेशन ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। हमने कहा इससे इससे लाइट के आगे बढ़ने का मकसद पूरा कैसे हुआ, वो तो हमें समझ नहीं आया। देन इस बंदे ने हमें जवाब दिया, कहता है जब आपने इसका वेव फ्रंट नोट करा था ना येलो वाला, तो आप यहां पर ऑब्जर्वर खड़े थे, तो आपके लिए दो वेव फ्रंट बने थे सेकेंडरी वाले, एक तो फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट और एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना था बैक वाला, तो इसका कंट्रीब्यूशन फुल था इसका जीरो था। हमने कहा बिल्कुल सही, रिपीट क्यों करी जा रहे हो सारी बात, असली बात बताओ। कह रहे आपके लिए ये बात थी लेकिन एक दूसरा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उस ऑब्जर्वर ने मान लो इस लाइट को तब नोट करा जब लाइट येलो से ग्रीन तक पहुंच गई थी, ए यहां तक। हमने कहा चलो ठीक है। कहता क्योंकि इस नए वाले ऑब्जर्वर ने ग्रीन लाइट ग्रीन वाले पोजीशन को सबसे पहले देखा, तो इस गर्ल के लिए ग्रीन वाला वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा। तो हमने कहा गर्ल के लिए प्राइमरी है तो गर्ल के लिए सेकेंडरी कौन सा होगा। कहता फिर वही बात, ग्रीन के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 टाइनी सोर्सेज ऑफ लाइट मानो, वो अपने छोटे 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 वेवलेट मानेंगे, उसकी तरह दो एनवेल्प बनाओ टेंजेंशियली, फिर एक आगे वाला जो टेंजेंशियली वेव फ्रंट बनेगा वो गर्ल के लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा फ्रंट वाला। इस तरह से लाइट को हम फ्रंट वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट से की मदद से आगे बढ़ता हुआ एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी को कि लाइट आगे कैसे बढ़ती है। इस चीज को हमने कागज के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। आ गया समझ बेटे? यस या नो? ऑब्जर्व करो, देखो पहले सोच लो क्या बोला टीचर ने। हाइगन प्रिंसिपल का मकसद क्या है? लाइट आगे कैसे बढ़ती है, प्रोपेगेट कैसे करती है, स्टूडेंट कम्युनिटी को समझाना। हाइगन प्रिंसिपल है क्या? ये दो अजम्पशंस का समावेश है। पहली अजम्पशन क्या है? पहली अजम्पशन ये है कि जिस तरह से ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट अपना येलो कलर का प्राइमरी वेव फ्रंट छोड़ता है, उसी तरह से इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर आपको अज्यूम करने हैं कि व्हाइट कलर के छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेज हैं और वो अपने व्हाइट कलर वाले छोटे छोटे स्फीयर के रूप में वेवलेट्स छोड़ते हैं, उन वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करें तो स्काई ब्लू और ग्रीन कलर के दो सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलते हैं, इनमें से फ्रंट वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट जिधर को लाइट जा रही है उधर वाले को फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट, उसका लाइट के आगे बढ़ने में 100% 100% कंट्रीब्यूशन होता है और बैक वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट का 0 कंट्रीब्यूशन। अगर यहां तक समझ आ गया सभी बच्चों को तो रेज योर राइट हैंड, अदरवाइज लेफ्ट हैंड, नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो बच्चा कहता है सर आपको बताई हुई बात समझ तो आ गई, क्या हम इसको पेपर में लिख पाएंगे, आप तो ऐसे बोल के निकल जा रहे हो। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ पहले ही किताबों में लिखा पड़ा है। पंगा क्या होता है, बच्चे किताबों से जब डायरेक्ट पढ़ते हैं उनको पता नहीं लगता यार ये क्या कही जा रहा है क्या कही, लेकिन जब टीचर की बात को अच्छे से समझ यहां बिठा लिया
अब जाके बुक का पूरा पेज भी पढ़ोगे तो आप कहोगे ये तो सर ने शॉर्ट में समझा दिया, पता नहीं इतना लंबा चौड़ा क्या लिख रखा है, असली बात तो इसमें से वही निकली जो टीचर ने बता दी। पूरे पेज को टीचर कंपैक्ट करके बता देता है छोटे से शब्द, क्लियर है। तो अगली बात बेटे, इस तरह से हाइगन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये जो फिगर बना, ये जो फिगर बना, ये शक्ल बना, ये फोटो बना, उसको बोलते हैं हाइगन कंस्ट्रक्शन। हाइगन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो डायग्राम सामने आता है उसको हाइगन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब रही बात वाइगट एंड किरचफला, ये दो साइंटिस्ट ने हाइगन की मदद करी। इन्होंने बोला हम तुम्हें एक ऐसा फार्मूला देते हैं जिसकी मदद से तुम ये प्रूव कर सकते हो कि इसका कंट्रीब्यूशन 100% है और इसका लाइट की प्रोपेगेशन में बैक वाले सेकेंडरी वेवफ्रंट का 0%। हम तुम्हें एक ऐसा फार्मूला देते। इसने बोला ओके दे दो, नेकी और पूछ पूछ, तो आप बताओ कौन सा फार्मूला। तो उस फार्मूले को मैं लिखने लगा हूं, उसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। फार्मूला ध्यान से सुनना, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए कॉमन फार्मूला है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं पहले समझेगा। क्या है फार्मूला? कंट्रीब्यूशन ऑफ ए सेकेंडरी वेव फ्रंट इन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज इक्वल टू, फार्मूला समझ लो, समझदार बच्चा अभी याद भी कर लेगा साथ के साथ, हाफ इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। हमने उसको बोला भाई हाफ भी समझ आता है, वन भी समझ आता है, कॉस भी चलो हमें पता है, पर ये थीटा क्या है, व्हाट इज दिस एंगल। तब उसने बताया ध्यान से सुना, कहता ये जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल है दो डायरेक्शंस के बीच में। हमने कहा कौन कौन सी? कहता एक डायरेक्शन तो ये है कि लाइट किधर को जा रही है, देखो सोर्स ऑफ लाइट है, हम इधर को प्रोपेगेशन स्टडी कर रहे हैं तो लाइट की डायरेक्शन ये। हमने कहा ठीक है, दूसरा कौन सा डायरेक्शन? कहता प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट किधर को आया है, यानी येलो वाले से, येलो वाला प्राइमरी था उससे सेकेंडरी वेव फ्रंट किधर को गया है। अब बच्चा कहेगा सर उधर को भी गया ग्रीन कलर में और इधर को भी गया स्काई ब्लू कलर में। तो कहता एट ए टाइम एक लो ना, मान लो हमने ग्रीन वाला लिया तो ग्रीन वाला उधर को गया तो सेकेंडरी वेव फ्रंट इधर को गया ग्रीन वाला, लाइट भी उधर को गई, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इसके लिए फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। और बैक वाला स्काई ब्लू, येलो से स्काई ब्लू इधर को आया है और लाइट जा रही है उधर को, और बैक वाला सेकेंडरी वेव फ्रंट इधर को आया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इसके लिए एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब इधर आ जाओ, अगर मैंने इस फार्मूले को ग्रीन वाले के लिए लगाना होता, फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट का कंट्रीब्यूशन लगाना होता, तो हाफ ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1, तो क्या होता है हाफ ब्रैकेट में 1 प्लस 1, ये आ गया 2/2, यानी कि 1। 1 की अगर परसेंटेज निकालना है कितना हो गया? 100% कंट्रीब्यूशन। अब इधर आ जाओ, अगर बैक सेकेंडरी वेव फ्रंट लगाएंगे, बैक सेकेंडरी वेव फ्रंट उसके लिए थीटा कितना पुट करेंगे? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है किसी बच्चे को पता है? कॉस 180 डिग्री होता है -1। जैसे ही यहां -1 पुट करेंगे तो ये +1 को कैंसिल कर देगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, 0, 0, 0 का परसेंटेज 0 कंट्रीब्यूशन। आ गया समझ बेटे वॉइगट एंड किरचॉफ लॉ?
यस और नो। भाई जो बच्चे हाथ खड़ा करने पे, मैम प्लीज इन बच्चों का ना मेरी क्लास कल से अलाउड नहीं है प्लीज, मैं चाहता ही नहीं है बच्चे मेरी बैठे, मैं फोटो क्लिक करने लगा हूँ यार जो बच्चे हाथ नहीं खड़ा करते। मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके व्हाट्सएप कर देना मैम को, ये बच्चे बैठे ही ना मेरी क्लास। आप टीचर इतनी एनर्जी लगाता, आप लेफ्ट और राइट भी डिसाइड नहीं कर सकते? बॉयज में सेकंड बेंच पे एक बच्चे का हाथ अभी भी खड़ा नहीं है कके, मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं, मैं पॉइंट आउट करके बैठने नहीं दूंगा क्लास में, आइदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। सो देखो आप पीछे मुड़ के, सभी बच्चों का राइट हैंड है। शाबाश, वेरी नाइट। जब भी ये पेपर में आएगा, अगर वाइगर्ट एंड किरचोफला साथ में पूछेगा तो 5 मार्क्स का आएगा, और अगर नहीं पूछेगा तो 3 मार्क्स का है। क्लियर है बेटे? समझ आ गया आपको? ये बोर्ड के सिलेबस का आर्टिकल है पूरा। अब इसको बच्चे कहेंगे सर इसको लिखें कैसे? नो नीड टू राइट, ज्यादा से ज्यादा ये फार्मूला लिख लो बस। सर क्यों ना लिखें? एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेंशनड इन द बुक्स। बॉयज में एक बच्चा सरदार बच्चा बैठा है टर्बन लगा के, बहुत ही बढ़िया टर्बन बांधी हुई है, प्लीज स्टैंड अप। शाबाश बेटे, आपको बेटे हाइगन प्रिंसिपल का पर्पस समझ आ गया? व्हाट इज पर्पस? कैन यू प्लीज टेल? बस ये माइक आ गया आपके पास ही आ गया, लो आपको ये बताना बस हिंदी या इंग्लिश में कि इसका मकसद क्या है। Its main motive is to tell the how wave is propagating through plane. वेरी गुड। हाउ द लाइट इज प्रोपेगेटिंग थ्रू स्पेस, इट इज फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी टू एक्सप्लेन ऑन द पीस ऑफ पेपर, ये बताना। आपने प्लेन बोल दिया एक ही बार, बहुत ही अच्छा, बैठो बैठो, शाबाश। इसके साथ ही बॉयज में एक बच्चा और बैठा है पीछे, इसके बैक साइड पर, सेकंड सेकंड बेंच पे सेकंड बच्चा। बेटे आप मेरे को ये बताओगे हाइगन प्रिंसिपल की फर्स्ट अजम्पशन क्या थी? Assumed wave front. जो पॉइंट्स लिखते सी जेदे वेवलेट्स थ्रो करते सी कि आप बिल्कुल बड़ी बड़ी, इस बच्चे ने बोल दिया मेरे को कि वेव फ्रंट के ऊपर तुसी ये अज्यूम करो कि वेव फ्रंट के ऊपर छोटे 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 जोड़े पॉइंट हैं, वो सारे छोटे सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, वो अपने वेवलेट छोड़ देने, यही कहना चाहते हो ना बच्चे? यस सर हाँ, पर इसको ना देखो, आपने पंजाबी बोली तो मैंने पंजाबी में रेस्पॉन्स दिया, लेकिन हमने पेपर में इंग्लिश में लिखना है ना, इसलिए कोशिश करा करो इंग्लिश में बोल लेंगे। बैठो, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही था। लेकिन मेरे को डाउट ये है कि वेदर यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एट इन द एग्जामिनेशन और नॉट। बहुत ही अच्छा। गर्ल्स में फ्रंट बेंच बेंच पे दो प्यारी सी गुड़ियां बैठी हैं मैम, इनमें से किसी एक बच्चे को दो। शाबाश, पकड़ो पकड़ो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना बेटे, आपने मेरे को बताना है ऐसा कौन सा लॉ है जो सेकेंडरी वेव फ्रंट की कंट्रीब्यूशन बताता है लाइट की प्रोपेगेशन। सर बॉयगॉट एंड क्रेचॉफ लॉ। शाबाश, देखो मैंने इस पेज पे कहीं भी इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा, फिर भी इस बच्चे ने बताया सक्सेसफुली कि उस लॉ का नाम है वाइगर्ट एंड किरचॉफ लॉ। वेरी गुड वेरी गुड। अब गर्ल्स में लास्ट बेंच पे एक गर्ल बैठी है बेटे, मैम प्लीज आपका हेल्प चाहिए दोबारा। गर्ल्स के वाले बेंचों में लास्ट बेंच पे एक बच्चा बैठा है, उसको माइक दीजिए। पास ऑन, अच्छा बेटे, या उस बच्चे को ही आगे बुला लो अगर तार है तो। बेटे आप आगे आ जाओ, सबसे लास्ट वाले बच्चा आए बेंच में, चलो पचाओ पचाओ फिर माइक पचाओ। हाँ यही वाला जो बच्चा खड़ा हुआ है। बेटे आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, अभी तक सारे बच्चे कामयाब हुए हैं, देखते हैं आप कामयाब होते हो कि नहीं। शाबाश, ध्यान से सुनना,
एक प्लेनर वेव फ्रंट कन्वेक्स लेंस के ऊपर थ्रो किया जाए, कन्वेक्स लेंस के ऊपर थ्रो किया जाए, तो उसकी शक्ल बाद में कैसी हो जाती है? सर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कनकेव कर्व्ड वेव फ्रंट। क्या बात है, कॉन्फिडेंट एंड करेक्ट आंसर, बैठो, वेरी गुड, मजा आ गया, शाबाश। अब एक लास्ट क्वेश्चन, माइक पकड़ लो बेटे, लास्ट क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। बॉयज में फर्स्ट बेंच, जो अभी पेन को रोटेट कर रहा है बच्चा। हाँ अच्छा, कहके मेरे को तो आज तक ऐसे रोटेट करना आया नहीं, मैंने बड़ी बार कर। आपको बताना है बेटे, ध्यान से सुनना, देखते हैं, तुम्हारे लिए सबसे टफ क्वेश्चन है, देखते हैं आप बता पाओगे कि नहीं। मैंने वेव फ्रंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बताई थी? देखना, नहीं कॉपी पे नहीं देखना, सोचो सोचो, लेक्चर में टीचर ने वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या बताई थी शुरू में? पार्टिकल्स ऑफ लाइट व्हेन प्रोपेगेट पार्टी फिर से बताओ बेटे, फिर से। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम व्हेन वाइब्रेटिंग इन अ पर्टिकुलर फेस। इन द सेम पर्टिकुलर फेस, बिल्कुल सही। थोड़ा सा लैंग्वेज को सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सही। सभी बच्चों के लिए जिन्होंने जवाब दिया, मेरी तरफ से क्लैपिंग। अगर मैं क्लास में खड़ा होता तो एक एक कैडबरी का चॉकलेट तो इनाम में दिया ही होता सर। बहुत ही अच्छा बेटे, शाबाश। पहले दिन टीचर ने पढ़ाया और आपको सारा समझ आ गया। पहले दिन तो टीचर का ये पता लगता है कि वो बोलता कैसे है, लिखता कैसे है, फिर भी आपको समझ आ गया। इट मीन्स गॉड हैज गिफ्टेड यू ए वेरी गुड ब्रेन, वेरी गुड ब्रेन। फायदा लेना है अपने, बचे हुए दिनों में हम जल्द से जल्द प्लस टू को संभालने की कोशिश करते हैं। कल से जब मैं लेक्चर लूंगा तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तेज होगी। आज मैंने स्लो रखी है स्पीड, ताकि आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पता लगे। ओके, कल मैं तेज जाऊंगा थोड़ा सा, और जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको मैसेज दे दो कि यार क्लास में समझ आने लग गया हमें ऑनलाइन, तुम भी आओ। अभी हमारे पास कितने मिनट बचे हैं मैम क्लास के? देखो तो, ओवर तो नहीं हो गया टाइम? बोलो कितने मिनट बचे हैं, माइक पे बोलो बेटे। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट इन योर लेक्चर, माइक पे बोलो ना एक बच्चा। मैम आप, लंच लंच पीरियड हाँ तो टाइम इज फिर मैंने एस्टिमेट से लगाया ये ओवर है, तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, फिर उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूँ। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, शाबाश, जा सकते हो, फ्री हो, कल मिलते हैं। ओके। ओवर।